ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ये भूल तुम करते हो। दुख को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देख करके, दुख को अपने घर की तरफ आता हुआ देख करके, दुख को आपके सपने आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए देख करके, आपके अपने सामने आते हुए देख करके, अपने घर का सामने का दरवाजा बंद करने की भूल मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम सामने का दरवाजा बंद करोगे तो वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा, अगर पीछे का भी दरवाजा बंद कर लो तो वो खिड़की में से आ टपकेगा, और अगर खिड़की भी बंद कर लो तो पानी निकलने की जो मोरी होती है ना उसमें से घुस आएगा, और अगर उसको भी तुमने बंद कर दिया तो ये छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा, और छप्पड़ फाड़ के नहीं आया तो फर्श उखाड़ करके आ जाएगा। ये बड़ा ढीठ मेहमान है, इसलिए दुख का भी स्वागत करो, उसका भी अभिनंदन करो, उसे भी आने दो, उसे भी पास में बिठाओ, उससे भी प्यार से दो बातें करो, शायद तुम पर उसे रहम आ जाए और तुम्हारे पीछा छोड़ के चला जाए। हो सकता है, ये तो पॉसिबल, ये तो संभव है। जिंदगी में अड़चन और परेशानी ना आए यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी आएगा ना, प्रकृति का नियम ही ऐसा है, कुदरत का नियम ही ऐसा है, आदमी को जो मिलना है वो मिलेगा ही, मिलेगा भी क्यों नहीं, टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठा के साथ नमकीन जरूरी है ना, तो दुख के साथ सॉरी सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है, ये नसीहत है। कोई पूछे मुनि जी ने आज क्या कहा, तो ये मत बोलना कि बहुत अच्छा कहा। तुम इतने बेईमान लोग हो, यहाँ सुनते हो, घर जाते हो, लोग पूछते हैं मुनि जी ने आज क्या कहा, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले, मजा आ गया, क्या बोले, बस इतना आनंद आया कि घंटा भर कैसा गया पता ही नहीं लगा। अरे ठीक है पर ये तो बताओ कि क्या बोले। अरे अरे कितना आनंद बरसता है, हमने तो तय कर लिया है मुनि जी का एक भी प्रवचन मिस नहीं करें। हाँ ठीक है मत करना, पर ये तो बताओ क्या बोले। तो तुम कहते हो ये मत पूछो, बहुत बढ़िया बोले, क्या बोले, ये मत पूछो। तो क्या याद रखा तुमने? ये मैं नसीहतें बांटता हूं केवल इसलिए कि तुमको मजा आ जाए। मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी के मजे के लिए नहीं बोलते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग किसी को मजे के लिए नहीं बोलते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपका टाइम पास करने का कोई साधन नहीं है, मैं आपके टाइम पास करने का कोई खिलौना नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, नर्क बने जीवन को स्वर्ग बना देना चाहता हूँ, जिंदगी में खुशियां चाहता हूँ, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें गुलाब के फूलों की तरह महकता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पसीना बहाता हूं।